subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर पुनर्निमित क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच लेकर के आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 9, जो कि क्षमता पर आधारित प्रश्न है। तो देखेंगे आज क्षमता पर आधारित प्रश्न किस प्रकार रहते हैं। पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर देंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। क्षमता पर आधारित प्रश्न कैसा रहेगा जो आप इसको बना सकेंगे। तो चलते बंधु, देखते हैं प्रॉपर्टी किस प्रकार है। देखिए, हम ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 भाग काम करेंगे। तो आप बंधु यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पूरा काम को 10 दिन में करता है और एक दिन का अगर काम निकालते तो क्या होता है, 1/10 भाग होता है। तो आप यहाँ क्या देखें कि जब समय को हम इन्वर्स करेंगे तो एक दिन का काम पता चलता है। एक दिन का काम पता चलना किसी की क्षमता को बताता है। तो यहाँ पे बंधु हम लिखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। यदि कार्य क्षमता को, क्षमता के अनुपात को इन्वर्स करने पर समय का अनुपात प्राप्त होता है तथा समय के अनुपात को इन्वर्स करने पर कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त होता है। देखिए बंधु, यहाँ पे जो हम एक आपके पास टर्म लिखे हैं इसको ध्यान से लिखिएगा। यदि कार्य क्षमता के अनुपात को इन्वर्स करने पर समय का अनुपात प्राप्त होता है तथा समय के अनुपात को इन्वर्स करने पर कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त होता है। इसी प्रॉपर्टी पे हम सारे सवाल को बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ए बी का कार्य क्षमता का अनुपात अगर देखिएगा, एक उदाहरण हम ले रहे हैं, कार्य क्षमता का अनुपात यदि 3:2 है तो कहेंगे कि समय का अनुपात क्या होगा, तो इनको इन्वर्स कर देंगे तो अनुपात क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर्टीज को समझ गए किसी प्रकार से, कोई दिक्कत? यदि बंधु दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो देखते हैं कार्य क्षमता पर आधारित पहला प्रश्न आपका किस प्रकार रहता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो बंधु आप देखने के साथ ही इसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि 3:4 है तो आंसर आपका हो जाएगा 4:3, क्योंकि आपका दो व्यक्ति है पी और क्यू, जो कि कार्य क्षमता यानी वर्किंग कैपेसिटी का अनुपात दिया है कितना, 3:4। तो इसका कहता समय का अनुपात क्या होगा, तो अभी अभी हमने आपको बताए कि कार्य क्षमता यानी वर्किंग कैपेसिटी के अनुपात को अगर इन्वर्स करेंगे तो समय का अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखिए कितना ही महत्वपूर्ण है। ज्योति किसी काम का 3/4 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए बंधु, ये जो प्रश्न है आप इसको कितने फास्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देखने के साथ ही आप आंसर इसका बता देंगे। तो देखिएगा कैसे इसको हम बनाते हैं बंधु, यानी कि जो ज्योति है वो देखिएगा किसी कार्य का 3/4 पहले, सबसे पहले देखिए कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिनों में समाप्त करता है। ये हम सबसे पहले इनको देखे, अगर इनसे पूरा कार्य रहता तो कितने दिनों में समाप्त होता पता है? इसको कटाते 4 × 3 = 12, तो यानी 4 × 16 दिन में। यानी ज्योति के पास अगर पूरा कार्य दिया जाता तो कितने दिन में समाप्त करता, वो 16 दिन में समाप्त करता। आगे देखिए क्या है,
माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगुनी है, यानी माला की जो कार्य क्षमता है वो ज्योति की दुगुनी है, यानी इनका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इनसे ज्योति से दुगुना है, यानी माला दो और ज्योति कितना एक, यहाँ पे ही लिखा हुआ है माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगुनी है, माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगुनी है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चल के कहता है बंधु तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। अब देखिएगा माला का जो दिन हमको चाहिए, समय जो चाहिए उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ज्योति का समय दिया है जो कि पूरा काम कितना दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। तो बंधु हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ समय है, यहाँ वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी से समय में लेना आपके लिए भी थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन नहीं होने देंगे। देखिएगा कैसे, हमने अभी बताए कि जब वर्किंग कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता के अनुपात को इन्वर्स करते समय मिलता है तो इनका जो टाइम होगा क्या होगा, 1:2 होगा, इनको हम इन्वर्स कर दिए। अब देखिएगा यही ज्योति 2 बराबर कितना पूरा समय लेते हैं, 16, तो कितना गुना, 8 गुना, तो इनका कितना गुना हो जाएगा, 8, तो यानी कितना समय लेंगे, ये 8 दिन का समय लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में है। क्लियर हो गया मित्र बंधु, आप इनको समझ गए, लेकिन इन विधि से भी आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, हम दूसरी विधि से इसको बताएंगे जो कि बहुत फास्ट होगा। तो देखिएगा कैसे बंधु, ये तो आप निकालेंगे ज्योति 3/4 को अगर 12 दिन में करते तो पूरा काम कितने दिनों में करते, 16 दिनों में करते, क्लियर है। अब देखिएगा माला का जो कार्य क्षमता है ज्योति की दुगुनी है, अगर ज्योति एक है तो ये दुगुना है, इनका वर्किंग कैपेसिटी बता रहा है। अब देखिएगा बंधु ये वर्किंग कैपेसिटी क्या बताता है, इसके बारे में जानिए कि ज्योति एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1 कार्य करते हैं, और माला एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2 कार्य करते हैं, यानी ये वर्किंग कैपेसिटी बनाते हैं। तो बंधु कहीं ना कहीं कार्य होगा तो जाकर के ज्योति करते हैं या माला करते हैं, अगर हम टोटल काम क्यों नहीं निकाल लें तब जाकर के हम किसी का भी आंसर दे सके। अगर बंधु देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, ज्योति एक दिन में 1 कार्य करते हैं और ज्योति उस कार्य को करने में कितना लगाते हैं, 16 दिन लगाते हैं, इसका मतलब कि टोटल जो वर्क हमारा होगा क्या होगा, 16 × 16 = 16। अब यही कार्य को यानी 16 कार्य को कराने के लिए कहता है माला कितने दिन लेंगे यदि इनका वर्किंग कैपेसिटी क्या हो, 2 हो, यानी कि माला एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है, काम कितना कराना, 16, यानी कि 16/2 = कितना दिन, 8 दिन। क्लियर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में है। फिर से एक बार बंधु ध्यान दीजिएगा, हम सेकेंड नियम को आपको रिपीट करते हैं, माला ज्योति से दुगुना कार्य करती है, अगर ज्योति 1 करती है तो माला कितने करती है, 2 करती है। हमने यहाँ एक बात बताई कि सबसे पहले ये पता करेंगे काम कितना है, अगर मान लीजिए ज्योति 1 दिन में 1 काम करती है, काम करने पूरा ज्योति को कितना लगता है, 16 दिन, इसका मतलब पूरा जो काम होगा 16 × 16 काम होगा, यही 16 काम कराने के लिए माला कितने दिन लेंगे, यदि माला 1 दिन में 2 कार्य करती है यानी 16/2 = कितना दिन लेगी, 8 दिन लेंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप इनको समझ गए होंगे, तो चलें अब हम अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, आप सब ध्यान से देखिएगा क्या इस प्रश्न में कह रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु और बहुत ही फास्ट आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, यानी ए का तुलना बी से है, फिर आगे देखते हैं तथा बी की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है, जो बी का तुलना है वो सी से है, तो हम जो लास्ट से रहता है उन्हीं से सब का तुलना करें तो पता चल जाएगा कि इनका कार्य क्षमता क्या है। तो यहाँ पे कहता है कि बी की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है, अगर सी 1 है तो बी कितना है, 2 है। आगे बंधु क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, अगर बी 2 है तो ये कितना है, 4 है। ये बता रहा है वर्किंग कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता, क्लियर है।
आप बंधु एक चीज जानते हैं कि अगर वर्किंग कैपेसिटी को इन्वर्स करेंगे तो समय निकलेगा, लेकिन समय निकालने से आपको क्या फायदा, क्योंकि आपको कह रहा है सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आप समय निकाल के भी बनाइएगा तो भी सवाल बनेंगे, लेकिन हम आपको समय निकाल के नहीं बताएंगे, आप यहीं से फास्ट बना सकते हैं। देखिए बंधु कैसे, बंधु कहता है ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो यानी कि ए एक दिन में 4 काम करते हैं, बी एक दिन में 2 काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे, 4 × 2 = 6 काम करेंगे, कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिनों में खत्म करते हैं, इसलिए टोटल वर्क कितना हो जाएंगे, 6 × 6 = 24। क्लियर है बंधु, फिर एक बार ध्यान से देखिएगा कि एक दिन में 4 काम करते हैं, बी एक दिन में 2 काम करते हैं, कहता दोनों मिलकर के 4 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो दोनों पहले मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 6, और 4 दिन में खत्म हो जाएगा तो 6 × 6 = 24 काम है, तब न खत्म हो जाता है। आखिर 24 काम को सी से कराएंगे तो कितना दिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी एक दिन में कितना काम, एक काम, काम कितना है 24 / 1 = कितना दिन में, 24 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 3 में है। क्लियर हो गया बंधु, एक बार फिर पुनः आपका ध्यान इधर खींचना चाहेंगे, जो कि अगला सवाल आप बना सके तो इस पे फिर से दिखेगा। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, इसलिए सी से तुलना लास्ट में है, तो उन्हीं से सबका लेंगे, सी से दोगुना बी यानी ये 1 तो ये 2, इनका दोगुना ये होना चाहिए तो ये 2, तो ये क्या होगा, 4। अब कह रहा था कि यदि ए भी 4 दिनों में खत्म करता है तो बी एक दिन में 2 काम, एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में कितना काम, 6 काम, क्या दिन में खत्म करता है, 4 दिन में, तो 6 × 6 = 24 काम होगा, तो जाके 4 दिन में खत्म हो जाता है। कहता है सी उसी काम को, कौन काम को, 24 काम को, कहता कितने दिन में खत्म करेंगे, तो सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 काम करते हैं, काम कितना है, 24 × 1 = कितना दिन में, 24 दिन में। मजा आ गया, तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर, तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं, यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, देखिए कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को। कहता 2 मजदूर ए तथा बी, यानी ए तथा बी 5 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं, 5 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी ए दोगुनी से काम करने का मतलब है जहां ए अकेले खट रहा था वहां वो दोगुना करने का मतलब है कि अपने आप को 2A बना देना, यानी दोगुना बना देना। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब ये दोगुनी इसका कहेगा कि दोगुनी गति से काम करे, दोगुनी तेजी से काम करे, तो उसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 2A लिख सकते हैं ना, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये दोगुनी गति से काम करे, बी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, बी तो साथ ही रहेगा, तो कहता है काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी जो 5 दिन में पूरा हो रहा था वो कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 3 दिन में पूरा हो जाएगा, तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बंधु देखिएगा, जहाँ पे ए प्लस बी रहता है तो 5 दिन में, 2A + B हो जाता है तो 3 दिन में, तो कहीं ना कहीं काम होगा, तो इनका LCM काम बताएगा कितना, 15, तो 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, यानी जहाँ पे ए प्लस बी रहेगा एक दिन में 3 काम करेंगे, 2A + B रहेगा तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। बंधु कहता है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब देखिएगा, हमको ये पता चल जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस बी, यहाँ पे 2A + B, अगर इसको इसको हम घटा देंगे तो ये बी भी कैंसिल, 2A में ए चला जाएगा, ए बचेगा, 5 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे, यानी 2 काम पर डे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब देखिए बंधु, ए अगर एक दिन में 2 काम करता है, काम कितना, 15 / 2 = कितना, 7 × 1 = 2 दिन में काम समाप्त करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 में।
क्लियर हो गया। एक बार फिर पुनः आपको समझाना चाहेंगे इस सवाल को, देखिएगा क्या है। ए तथा बी जब काम करता है तो 5 दिन में काम समाप्त होता है, ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो 3 दिन में समाप्त होता है। दोगुनी तेजी का अर्थ है जहाँ पे ए एक से काम करता था, एक गति से काम करता था, उसमें दोगुना करेंगे यानी 2 हो जाएंगे। तो यह हम सीधा कह सकते हैं कि इनको अगर दोगुना कर देंगे तो ये दोगुनी तेजी हो जाएंगे। बी उनके साथ जैसे का तैसा है, क्योंकि बी के बारे में पूछ नहीं कहा जा रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 3 दिन में। तो ये दोनों एलसीएम से पता कि काम कितना है, 15, जो कि 5 या 15, एक दिन में 3 भाग, 3 × 5 = 15, एक दिन में 5 भाग काम करते हैं। अगर इनको इनसे घटा दें तो बी वी कैंसिल, 2A में ए चला गया ए यानी बचा, 5 में 3 गया 2 यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, काम कितना 15, 15 × 2 = 7 × 9 = 2 दिन। क्लियर हो गया बंधु? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आपका तुलना परसेंटेज पे आधारित है। तो देखेंगे ये सवाल आप किस प्रकार बनाते हैं। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बिमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो बिमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। बहुत ही साधारण और सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिए कमल है और दूसरा बिमल है। कहता है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, यानी कमल एक काम को कितना दिनों में करेगा, वो 15 दिनों में कर सकता है। बिमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, बिमल की जो कार्य क्षमता है कमल से 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 150 होगा, 50% अधिक का मतलब यदि ये 100 तो ये 150। क्लियर है? अब देखिएगा ये क्षमता है, क्षमता यानी वर्किंग कैपेसिटी है। अगर बंधु आप इनको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 × 10 5 × 3 = 15 यानी ये 2 के अनुपात में इनका क्षमता है और इनका 3 के अनुपात में क्षमता है, यानी ये एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, ये एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। क्लियर है बंधु? अब ये पता चल जाए कि टोटल काम क्या है तो बिमल से हम काम करवा लेंगे कितना दिन में करेंगे। तो बंधु यहाँ पे है कि कमल उस काम को जो है कितना दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं, और यहाँ पे जो है कमल एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा। अगर एक दिन में 2 काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, तो 15 × कितना, 2 × 2 = 30 यानी टोटल वर्क 30 हो गया, यानी टोटल काम हो गया आपका 30। उससे बिमल से कराएंगे, बिमल एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम कितना है, 30 × 3 = कितना दिन, 10 दिन। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? तो चलते हैं बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो बंधु देखिएगा ए किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में ये दिया हुआ है। कहता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, अगर 100 है तो ये कितना होगा, 150, 0 × 5 = 15 × 5 × 10 यानी 3:2 में इसका क्या है, वर्किंग कैपेसिटी है। बंधु कहता है ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और ए किसी कार्य का यानी एक दिन में 2 भाग करते हैं, तो ये हम पता कर लेंगे कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, ए एक दिन में कितना काम, 2 काम, कितना दिन लगाते हैं, 9 दिन, तो 9 × 2 टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया। कहता है बंधु बी उसी काम को कितना दिनों में करेगा, बी एक दिन में कितना काम, 3 काम, काम कितना, 9 × 2 = 18 तो हम 3 से भाग कर देंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = कितना, 6 दिन में पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बंधु आप समझ गए होंगे, मन भी लग रहा होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वह अकेले
किसी काम को 23 दिन में कर सकता है तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी बंधु ए बी से 30% अधिक है, बी अगर 100 है तो ये क्या 130 है। इनका वर्किंग कैपेसिटी का अनुपात निकल जाएगा 0:0 कैंसिल 13 अनुपात कितना 10। यानी एक दिन में 13 काम करेंगे, बी एक दिन में कितना काम करेंगे 10 काम करेंगे। अब आगे कहता है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, कौन देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, किन की ए की, तो उसी प्रकार आगे और वह तो कौन ए, क्योंकि ए का तुलना किससे है बी से है, तो सारी बात किसके बारे में कर आगे ए के बारे में, तो और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, कौन ए कर सकता है। फिर से जान लीजिए कैसे, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वह अकेले कौन ए, यानी हम कह सकते हैं कि ए अकेले किसी काम को कितना दिन में करता है 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये आप बता देंगे कैसे, क्योंकि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर बंधु ए एक दिन में 13 काम करता है और ए जो है 23 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 23 गुना कितना 13। अब कहता है दोनों मिलकर कि कितना दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलेंगे एक दिन में कितना काम, ये 13 प्लस कितना 10 बराबर कितना 23, यानी एक दिन में ये कितना काम करते हैं 23 काम कितना है इतना, तो इतना से भाग दे दीजिए तो 23 कैंसिल तो कितना हो जाएंगे 13 दिन। क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा में। तो आगे बढ़े बंधु, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु, आप भी इसको खुद बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, ए किसी काम को कितना दिन में 70 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता जो है ए से 40% अधिक है, ए 100 है तो बी कितना 140 है, कैंसिल करिए 0:0 7 दिन 14 5 दिन 10, यानी कि इनका वर्किंग कैपेसिटी क्या 7:5 है। इनसे ये तात्पर्य होता है कि बी एक दिन में 7 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं बंधु कहाँ से ए से, क्योंकि ए 70 दिन में समाप्त करते हैं, एक दिन में अगर ये 5 काम करते हैं तो टोटल काम क्या हो गया 70 गुना 5। अगर देखिए बंधु इसी सवाल में क्या कहता है, बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा, बी के बारे में जानना है, तो काम कितना 70 गुना 5 बी से कराएंगे, तो 70 गुना 5 टोटल काम में बी के एक दिन के काम से क्या करेंगे भाग दे देंगे। बी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 से भाग दिए 10 70 10 5 कितना 50 दिन में, यानी बी उस काम को समाप्त करेंगे जो ऑप्शन नंबर क्या है तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। बहुत ही साधारण प्रश्न है, अभी आप इस प्रकार बनाए बंधु तो इसको भी बना लीजिए। कहता है ए किसी काम को कितना दिनों में 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की जो कार्य क्षमता है इसे 60% अधिक, अगर ये 100 है तो ये कितना 160 है, 0:0 कैंसिल 5 × 10 8 × 16 मजा आ रहा है बंधु बनाने में, मजा आ रहा होगा क्या। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, ये किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, बंधु अगर 12 दिनों में समाप्त करते और एक दिन में 5 काम करते हैं टोटल कितना काम 12 × 5 12×5 कितना काम 60 काम, इन्हीं को कहता है। तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करें, ए तथा बी मिलकर यानी ए मिलेगा 5 काम लेगा, बी मिलेगा 8 काम लेगा, तो दोनों मिलेगा एक दिन में कितना काम करेंगे 13, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेंगे 60/13 यानी 60/13 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 में है। अब इस प्रकार सवाल बनाने में आपको मजा आ रहा होगा बंधु। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, साथ साथ शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार है। ए काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए बंधु कितना ही सुंदर प्रश्न है यहाँ पे, तो हम देखेंगे एक काम को खत्म करने के लिए ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है, बी अगर 100 लेगा तो ये कितना लेगा 150 लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लेता है समय लेता है। ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि यहाँ पे समय निकाल दिया हो और हम वर्किंग कैपेसिटी समझ के सवाल बना ले तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है
कि समय के साथ दिया है, तो इसको हम कटाएंगे, 0 0 कैंसिल, 5 3 15 5 2 10 यानी 3:2 इनका समय है। तो इनका वर्किंग कैपेसिटी हो जाएगा 2:3, क्योंकि समय के अनुपात को इन्वर्स करते हैं तो क्या निकलता है बंधु, कार्य क्षमता का अनुपात निकलता है। अब आगे चल के कहता है यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में करते हैं, एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, तो 3 2 कितना काम, 5 काम 18 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना, 18 5 90। अब आगे चल के कहता है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी एक दिन में कितना काम, 3 काम कितना, 90 90/3 बराबर कितना, 30 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला है। क्लियर? तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में तथा सी की तुलना में तिगुने समय में करता है, यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, इसको आप किस प्रकार बनाएंगे तो देखते हैं। ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में करता, देखिएगा ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में, यानी समय का अनुपात है, ये निकल जाएंगे 2:1। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुने समय में करता, बी अगर एक करता तो ये कितना करता, 2 करता है, तथा सी की तुलना में तिगुने समय में करता है, कौन, ए के बारे में सारी बात हो रहा है, यानी सी की तुलना में तिगुने, सी अगर एक करता तो ये कितना करता, 3, यानी कि ये भी क्या है, समय का ही अनुपात है। बंधु देखिएगा, हम ये डायरेक्ट इसको वर्किंग कैपेसिटी में ले जाएंगे तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर इनका वर्किंग कैपेसिटी कहेंगे तो 1:1 क्या होगा, 2, अगर इनका वर्किंग कैपेसिटी कहेंगे तो क्या होगा, 1:3। अब देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी आपके सामने, कैसे, ए का मान यहाँ भी 1, ए का मान यहाँ भी 1, तो 1 हो गया, बी कितना, 2, तो 2 हो गया, सी कितना, 3 हो गया, और ये बराबर और रेशियो में पढ़े थे, तो ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा, सी का मान क्या होगा, ये होगा। ये क्या निकल गया, वर्किंग कैपेसिटी, यानी ए एक दिन में कितना काम करेंगे, बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 2, और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, लेकिन तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करते, एक दिन में काम करते हैं, तो इसका मतलब है टोटल वर्क आपके पास है, तो देखिएगा 1 और 2 3 3 3 6, एक दिन में 6 काम और एक के दिन कटता है, तो 6 × 1 टोटल वर्क कितना हो गया, 6 हो गया। अब किनसे करवाना है काम को, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए अकेला एक दिन में कितना करता है, एक काम कितना है, 6 6/1 बराबर कह दिन, 6 दिन। क्लियर हो गया मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 3 में। तो आप इस प्रकार प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आपका आज इतना ही रहेंगे, फिर मिलेंगे बंधु अगली क्लास में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे, और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो पुनः एक बार आप सब को अनिमेश क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।